किसने भेजा ये? कीमती गहने, इतना महंगा ड्रेस, कोई चाहने वाला है क्या? मजाक मत करो। अरे क्यों, मेरा मतलब हो सकता है ना। अरे आप इतनी खूबसूरत है, चाहने वाले तो होंगे ही, है ना। लेकिन एक बात बताइए, कीमती गहने, इतना महंगा कपड़ा, ये सब छोड़कर आप ये सस्ती मोती की माला और ये छोटी सी ड्रेस लेकर बैठी हैं, किसकी ड्रेस है ये मेरी ड्रेस है। किसी ने दिया था किसने दिया था? उसने कॉल किया था। अभी अभी उसने कॉल किया था। हेलो, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, मुझे पता चल गया कि आप है कौन। हेलो, आई लव यू। बच्चे का कपड़ा और मोती का हार लेकर आ गई, बाकी कुछ भी नहीं लाए। हाँ, सोने का गहना भी नहीं। सोना, सोना मैंने बहुत देखा जिंदगी में, पैसे भी बहुत देखे, लेकिन प्यार नहीं देखा। दद्दा और बड़ी माँ को छोड़कर मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। बचपन में ही माँ बाप को खो चुकी थी, कोई प्यार नहीं करता था, कोई नहीं। क्या, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता? ना, प्यार करता था। और एक है, वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था वो। हेलो राधिका, हाँ मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ। हाँ, अभी सेंड कर रही हूँ। मुझे पता करना है कि ये नंबर किसका है, मुझे पता करना है, क्योंकि मुझे पता है ये वही है जिसे मैं बचपन से चाहती थी, प्यार करती थी। बहुत बहुत
करती थी और आज भी प्यार करती हो। मुझे इस नंबर के डिटेल्स चाहिए और एक बार डिटेल्स मिल जाए उसके बाद मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगी। हाँ, और उसके बाद मैं उसके सामने जाके कहूंगी कहाँ थे तू? मैं तुम्हें याद करते करते बेहाल हो गई। कहाँ थे तू? I love you so much. तू नंबर नोट कर, अभी नंबर नोट कर। ये नंबर है। अचानक से बीच में ये नंबर वाला कैरेक्टर कहां से आ गया? हेलो माया। हाँ, डाली ने जिसे बचपन में खोया था ना, उसका कोई क्लू मिला है। एक फोन नंबर। हाँ, इससे पहले कि डाली उसे ढूंढ निकाले हमें उसे खोजना पड़ेगा, वरना सारा प्लान बिगड़ जाएगा। डाली, इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम जवाब दोगे। मैं कुछ समझा नहीं, तू कब आई? तू आकर यहाँ भजन गा रही है? हाँ दत्ता, हाँ, क्योंकि मुझे लगा जब इंसान से जवाब ना मिले तो भगवान से पूछना ही सही है, उनको तो सब कुछ पता है ना, वही जवाब देंगे। क्या जानना है तुझे? पहले अग्नि पर हाथ रख कर कहो कि सब सच सच बताओगे, एक भी झूठ नहीं बोलोगे। पर डाली, दादा प्लीज, कोई किंतु परंतु नहीं, आज हमारे रिश्ते की दुहाई है दादा, वादा करो सच बताओगे। हाँ बताऊंगा। हाथ रखो। मैं ये कहूंगा, सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा। चड़की, चड़की। जी छोटे मलके, ये लो। हाँ बोल। दादा, दादा मैं तुम्हें एक नंबर बताऊंगी और वो नंबर किसका है तुम्हें बोलना पड़ेगा। ये नंबर 98। कुछ पता नहीं, कसम से मुझे कुछ पता नहीं। और क्या है इस नंबर में? इस नंबर में उस इंसान ने मुझे कॉल किया था। किस इंसान ने? जिसके लिए मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ। क्या कह रही है तू? हाँ दत्ता, इसके लिए मैंने सालों से इंतजार किया और उसने कॉल किया था। ये उसका ही नंबर दत्ता, I'm sure ये उसका ही नंबर है। और उसके बाद मैं पागलों की तरह कॉल कर रही हूँ, पर नंबर बंद है, उसका स्विच ऑफ है। देखो दत्ता, लो दत्ता देखो, ये देखो दत्ता, स्विच ऑफ है।
देखो। अरे रिंग तो हो रहा है। हाँ? हाँ। हेलो हेलो हेलो, आप कौन है? आप वो ही हो ना जो आस्था बांगो में रहते थे, वो जानकी प्रसाद चौधरी के घर पर, वो संध्या मतलब बड़ी माँ डाली चौधरी, याद है ना? अब डाली चौधरी बोल रही है? हाँ मैं डाली चौधरी बोल रही हूँ। तो तुम वो ही हो ना, वो छोटा सा छोटा सा वो छोटा सा जब मैंने आपको खो दिया था। देखिए मैंने आपको कुछ गहने भेजे थे, एक ड्रेस भी दिया था, लेकिन आपने उसे पहना ही नहीं। आप पहले पहन के तो आइए। कहाँ आऊंगी, कहाँ आऊंगी मैं बोलो? मैं जहाँ बुलाऊंगा आप आएंगी? हाँ, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। पर तुम बोलो, तुम वही हो ना? हाँ, वो छोटा सा तुम वही हो ना? सब बताऊंगा, पहले आप सच सच के। नहीं, पहले तुम बोलो तुम वही हो या नहीं। कौन हो तुम बोलो, कौन हो तुम? थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। प्लीज प्लीज बोलो ना। अच्छा अच्छा, तुम्हें याद है? याद है वो गाना और वो शिवरात्रि और वो पेड़ जिस पे चढ़ के तुम मेरे लिए फूल लाने गए थे, याद है ना? वो गाना ही